ओम श्री गुरुवे नमः। हम ध्यान के विषय में बहुत सारी बातें तो करते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि ध्यान हमें किस तरह से करना चाहिए, ध्यान क्या है, उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, उन्हें किस तरह से दूर करना चाहिए। तो इसी विषय में कुछ साधकों ने श्री एम से इस विषय में कुछ प्रश्न किए थे, और अब से हम कुछ वीडियो जो है इन्हीं प्रश्न और उत्तर पर लेकर आएंगे। तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। पहला प्रश्न किसी ने किया है कि ध्यान क्या है। तो श्री एम ने कहा, ध्यान एक विस्तृत सिद्धांत है। अंग्रेजी में ध्यान शब्द का प्रयोग पंजली के योग सूत्र के तीन भागों के बारे में बात करता है, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का मतलब है वह क्षमता या अभ्यास जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी विचारधारा पर केंद्रित रहता है। जब यह आदत सद जाती है और यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है, तब ध्यान समाधि का रूप ले लेती है। कुछ समय तक निरंतर ध्यान का अभ्यास करने से समाधि का अनुभव होता है। कई बार जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो वह व्यक्ति तकनीक के बारे में पूछ रहा होता है। जब हम ध्यान के बारे में बात करते हैं तो पंजलि के योग सूत्र में ध्यान की जितनी क्रियाओं की चर्चा की गई है उन सब के बारे में बात करते हैं। वास्तविक अनुभव अभ्यास से आता है और वह अलग अलग व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। पंजलि निरंतर अभ्यास और दीर्घकाल शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम लंबे समय तक बिना किसी तरह की बाधा के यह अभ्यास करते रहते हैं तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें हम यह भी भूल जाते हैं कि हम ध्यान भी लगा रहे हैं। केवल वही अवस्था रह जाती है, इसे ध्यान कहते हैं। आप जिसके ऊपर ध्यान लगा रहे होते हैं वो तो ध्यान लगाने वाला होता है, वो और ध्यान की प्रक्रिया सभी एक हो जाते हैं। एक बार जब आपको इसका अनुभव हो जाता है तो सभी अन्य तरह की परिभाषाएं लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाली तकनीकें बन जाती हैं। न कहीं पहुंचना होता है और न ही कुछ पाना होता है, बस होना होता है। बाकी सभी तरह की गतिविधियां थम जाती हैं। यह याद रखने की बात है कि यह केवल उस खास तकनीक के अभ्यास से संभव होता है जो सिखाया गया हो। इसलिए जब तक आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचते जिसको ध्यान कहा जाता है, तब तक आपको उस तकनीक का अभ्यास करते रहना होता है और इसके बारे में पढ़ना कोई उपाय नहीं है। हालांकि शुरू शुरू में पढ़ने से या सुनने से फायदा होता है, लेकिन इसके अभ्यास से समझौता नहीं किया जा सकता। आपको दीर्घकाल तक अभ्यास स्वयं करते रहने की आवश्यकता होती है। जब आप ध्यान में एक निश्चित अवस्था तक पहुंच जाते हैं तब एक अच्छी बात होती है, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं और लगातार आपको परमा आनंद का अनुभव होता रहता है जो अन्य सब अनुभवों से स्वतंत्र होता है। यह स्थायी होता है और यह वही है जिसकी हम सबको चाह होती है। अमर खज्जाम ने अपनी रुबायत में इसी की ओर इशारा करते हैं, सब्र और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, हमें ध्यान क्यों लगाना चाहिए। श्री एम, मैं यह बताने के लिए कि जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तो हम किससे जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मान लीजिए कि आप सड़क पर खड़े हैं और फुटपाथ की ओर देख रहे हैं। आप देखते हैं कि एक आदमी धीरे धीरे सड़क पर चलता हुआ जा रहा है। वह बूढ़ा है, बहुत कमजोर लग रहा है। उसके कंधे पर एक कपड़ों का गट्ठर है। आप सोचते हैं कि वह कोई भिखारी होगा जो बड़ी मुश्किल से सांस लेता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वह किसी भी समय गिरकर मर जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि सामने से एक बस आ रही है। ड्राइवर का ध्यान उस आदमी पर जाता है
और वह अचानक ब्रेक लगा देता है। बस की सड़क पर घिसटने की आवाज आती है, हॉर्न की तेज आवाज आती है, वगैरह वगैरह। तो 10 से 9 बार वह गरीब आदमी जिसके बारे में आपको लग रहा था कि वह अब एक भी इंच नहीं चल सकता, उसके बारे में हमें लग रहा था कि वह गिरकर मर जाएगा, जब यह देखता है कि बस उसको मारने वाली है तो लंबी कूद के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए वह आगे दौड़ पड़ता है। सवाल है, उसने ऐसा कैसे किया? बाहर से उसे देखने वाले किसी को भी ऐसा लग सकता था कि वह अब एक दो कदम भी नहीं चल सकता। वह इतना कमजोर और बेचारा लग रहा था। जब उसने अचानक अपने सामने बस के रुकने की तेज आवाज सुनी और खतरे को भांपा, तो आपको अचानक क्या हुआ? उसने सड़क की एक ओर से दूसरी ओर ही छलांग कैसे मारी? यह सवाल है। इसको देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। पहला, अचानक दुर्घटना की आशंका से वह कूद पड़ा, लेकिन उसके अंदर यह ऊर्जा आई कहां से? दूसरा विश्लेषण चिकित्सीय या जैविक हो सकता है। मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। यह अचानक जान का खतरा होने पर आपको चौकन्ना कर देता है। यह हमारे प्राचीन सर्पिल दिमाग का हिस्सा है। इसलिए जब लिम्बिक सिस्टम हरकत में आता है तो आदमी प्रतिक्रिया करता है। यह कहा जा सकता है कि लिम्बिक सिस्टम में एक तरह का स्विच होता है जो अचानक शरीर में ढेर सारी एड्रेनलिन प्रवाहित कर देता है। यही ऊर्जा उस समय उसे कूदने की शक्ति दे देती है। यह इसकी रासायनिक या जैविक व्याख्या है। योग और वेदांत की व्याख्या यह कहती है कि किसी इंसान के उस समय तक के जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर वह यह सोच पाता है कि वह बूढ़ा हो चुका है, वह कमजोर हो गया है, वह गिरकर मर जाने वाला है इत्यादि। जिस समय वह खतरा आया उस समय उसके दिमाग में इसी तरह के विचार चल रहे थे। उसी समय लिम्बिक सिस्टम ने अपना काम किया, काम को दिशा दी। तब उसके पास सोचने के लिए समय नहीं था। वह यह सोचकर अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर सके कि वह ऐसा नहीं कर सकता। विचार एक शक्तिशाली हथियार है। यह आपको सीमित भी कर सकता है और असीमित भी बना सकता है। इस प्रसंग में अपने सामान्य जीवन में वह दो और दो को जोड़ते हुए सोचता है कि मैं 6 महीने पहले अस्पताल में था, मेरे पैर कमजोर हो चुके हैं और मैं कूद नहीं सकता, और भी इस तरह की तमाम बातें। लेकिन जिस समय उसके ऊपर खतरा आया उसके पास सोचने का समय नहीं था और वह अपने आप को यह सोचने के लिए तैयार नहीं कर पाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपकी सोच आपको इस तरह तैयार कर देती है कि आप यह कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, और वह सोच आपको यह कहने के लिए भी समर्थ बना सकती है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह नहीं कर सकता। कि आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको सोचना चाहिए पर अपनी समझदारी से भी काम लेना चाहिए, खासकर जब आसपास गुरुजन घूम रहे हों। इस कहानी में शरीर को बचाने के लिए सामान्य सोच से हटकर पलक झपकते ही वह असामान्य सोच उभरी। उस ऊर्जा ने कहा कूदो, और वह आदमी कूद गया। अब यहाँ जिस ऊर्जा ने ऐसा अचानक किया उसको व्यवस्थित रूप से सहेज कर उपयोग में लाया जा सकता है। पहले तो उसका उपयोग दिमाग को एक तरह की अवस्था से मुक्त करने में, सोच की ओर अधिक विस्तृत बनाने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, इससे ऊर्जा के अनंत स्रोत तक पहुंचा जा सकता है। अगर इस तरह के भाव कि मैं यह शरीर हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, या यह कहें कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ से मुक्त होया जाए, या कुछ समय के लिए उसका त्याग कर दिया जाए, तो यह संभव है कि हम अपने अंदर मौजूद ऊर्जा के उस स्रोत तक पहुँच सकें। सौभाग्य से यह आनंदित करने वाली ऊर्जा है, दर्द देने वाली नहीं। पुराने जमाने से हजारों सालों से
पूर्व और पश्चिम के लोगों ने, विशेषकर पूर्व में जहां लोग अपने अंदर झांकने के बारे में ज्यादा सोचते थे, यह पाया कि सभी तरह की ऊर्जा का एक सार होता है, एक तरह की असीमित चैतन्य बोध और आनंद की छोटी सी चिंगारी हम सभी लोगों के भीतर होती है, हमारे आनंद के आधार में होती है। उसका अनुभव करने के लिए यह जरूरी होता है कि आप अपने आप को इस तरह की सोच से निकाल लें कि मैं सीमित हूँ, मैं यह शरीर हूँ, मैं यह नहीं कर सकता और मैं वह नहीं कर सकता। इस सोच की यह प्रक्रिया एक तरफ फिलोसॉफिकल है, जो दूसरी तरफ यह व्यवहारिक है। इसके व्यवहारिक तरीके हैं कि किस तरह से अपनी सीमित करने वाली सोच को परे किया जाए, कम से कम कुछ समय के लिए, और धीरे धीरे उन्मुक्त होकर आनंद पूर्वक ऊर्जा से भरपूर अवस्था में अधिक से अधिक समय बिताएं। यह साधना है जो यह बताती है कि किस तरह अस्तित्व के सार तक, भीतर तक पहुंचा जाए, वह सार जो सभी जीवों में एक समान होता है, चाहे तुमने उसका अनुभव किया हो या नहीं। वह सार या मूल जिस तक ध्यान के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। अगले प्रश्न अगले वीडियो में।